नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके में एक ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से आप कोई भी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा लीजिए, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया या बिहार दरोगा हो गया। हर एग्ज़ाम में आपको एक से दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है कि भारत की जनगणना यानी 2011 में जो हुआ था उसके डाटा के अनुसार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप मेरे साथ मात्र 8 से 10 मिनट मेरे भाई बने रहिए, आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जानते भी होंगे तो क्वेश्चन इसमें से कुछ घुमाकर पूछ देता है, जिस कारण से क्या होता है कि आप सभी फंस जाते हैं। खोजता है कि आप पहला स्थान याद किए हैं, एग्जाम में कहीं दूसरा स्थान पूछ देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो स्टैटिक जीके का सीरीज चालू किए थे, बोले थे 10 से 15 क्लास देंगे जिसमें आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में लिखा होगा स्टैटिक जीके, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। और स्टैटिक जीके का सीरीज चलते रहेगा, और इसके बाद तुरंत ही हम बिहार स्पेशल क्लास लेकर आएंगे, यानी बिहार ऑल एग्जाम जीके करके क्लास लाने जा रहे हैं। ये दो क्लास आपको अल्टरनेट मिलते रहेगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। और ये जो भी डाटा है ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की जनगणना की शुरुआत, भारत में यानी जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1872 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। अगला है कि नियमित जनगणना भारत में, ये तो 1872 में जनगणना हो गया, ये हर एक जो 10 साल पर हम लोग का जनगणना होता है वो नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1881 ईस्वी में, उस टाइम में भारत का गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रिपन के समय में होता है। पूछे किसके समय में हुआ नियमित जनगणना यानी रिपन, या पूछे दशकीय जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो बोलिएगा कि 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनगणना कराया जाता है, जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या कमेंट करना है कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। अगला है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो 2011 की आपकी जो जनगणना है उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी हमारी जनगणना होगा तभी मेरा भविष्य क्लियर होगा, नहीं तो ये नहीं कि हम दो हमारे गिन लो, जिससे देश की विकास रुक सकती है। अगला है, जनगणना में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रहा, मतलब एक ऐसा समय भारत में आया जब जनगणना कराया गया तो भारत की जनसंख्या पहले के तुलना में घट गई। वो साल कौन था, 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या जो हो उसमें वृद्धि ऋणात्मक रही। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार नए जिला बना, टोटल कितना नया जिला बना, 47 यानी 47 नए जिले का निर्माण किया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो बोलिएगा कि 121,85,04,977, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार, जितना भी प्रश्न लिखे हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ही प्रश्न लिखा गया है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17.5% है।
अगला देखिए, 2011 के जनगणना में नागालैंड भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, नागालैंड का दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत की 2011 के जनगणना में किस राज्य का दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही, तो बोलिएगा कि नागालैंड। दशकीय वृद्धि ऋणात्मक कौन सा साल रही भारत का, तो बोलिएगा 1911 से 1921 के बीच में। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर लोग कितने हैं, तो 73% जो है भारत में साक्षर लोग है। अगर पूछ ले साक्षरता दर असाक्षर लोग पूछ ले तो 100 में से घटा लीजिएगा, वही क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा टर्न कर देता है यानी घुमा देता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है, सर्वाधिक साक्षर राज्य, साक्षर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है आपका वो कौन सा राज्य है, केरल, कितना प्रतिशत, 94%। अगला है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला जो आपका राज्य है वो अपना बिहार है, कितना है, 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या में पूछ ले तो पहला स्थान तो सब लोग जानता है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे एग्जाम में पूछे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो बोलिएगा महाराष्ट्र। तीसरा राज्य पूछे तो बोलिएगा कि अपना बिहार। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक, तो बोलिएगा सिक्किम होगा। सबसे कम अगर जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम बोलिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो बोलिएगा गोवा होगा। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे रहते हैं, कहाँ पर, बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो बोलिएगा कौन सा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार होगा, सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो बोलिएगा केरल। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो बोलिएगा कि हरियाणा। ये अब इससे बाहर आपकी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, और 2011 के जनगणना से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते होंगे कम समय में 2011 की जनगणना के जो स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से पसंद पड़ गया होगा, चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्टैटिक जीके का जो क्लास है प्लेलिस्ट में लिखा है स्टैटिक जीके, आप उसे कंटिन्यू रूप से ज़रूर देखते रहिएगा। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।